बिहार सरकार के द्वारा कृषि विभाग के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी का समापन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बुधवार को किया गया। ये कार्यक्रम भागलपुर के कृषि विभाग परिसर में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के दौरान कृषि पदाधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों ने गाँव से ग्लोबल तक विषय पर भी अपनी वार्ता रखी। 3 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी में किसानों ने अपने खेतों में उपजाए फल फूल और सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई, तो वहीं जैविक खेती कैसे की जाए उस पर भी कई मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी लगाई गई। ए दोस्तों, कार्यक्रम के तीसरे दिन जिलाधिकारी द्वारा समापन के समय किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम से जाना जाता है, जिसका स्वाद महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावा विदेशों में भी चखा गया है। अब भागलपुर में तैयार किए गए शहद को भी विदेशों तक आसानी से यहाँ के व्यापारी खुद के पैकिंग में टैग लगाकर विदेश भेज पाएंगे और अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया आयोजन जो है वो हुआ है और इसमें जो किसान जो अपना उत्पादन जो भी करते हैं उसकी यहाँ प्रदर्शनी भी लगी है और कई किसानों को सम्मानित भी किया गया है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भागलपुर जिले में चाहे वो जैविक खेती हो या यहाँ जो 2 GI टैग प्रोडक्ट है आपका जर्दालू आम या कतरनी चावल चूड़ा, तो उसको लेकर के काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है। और अब एपिडा से कई सारे किसानों का FPOs का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो हनी है बिहपुर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है मधुमक्खी पालन और मधु का उत्पादन होता है, वहाँ हम लोगों ने नवप्रवर्तन योजना से प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया है, तो एपिडा में जो हनी प्रोडक्शन यूनिट है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया। तो बहुत खुशी की बात है कि किसान जो है अपना माल ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर अन्य देशों में भी आसानी से निर्यातक की भूमिका में आ करके बेच सकेंगे, जिससे कि काफ़ी उनको अच्छी आमदनी भी होगी। और जहाँ तक जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो बकरी पालन हो, दूध उत्पादन हो, उस पर भी काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। तो मैं कृषि विभाग को और सारे पदाधिकारी साइंटिस्ट जो कर्मी हैं किसान सबको बधाई देता हूं और यही कामना करता हूं कि इसी तरह से सब लोग मेहनत करते रहेंगे और हम लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता जो है वो भागलपुर जिले के किसानों को मिलेगी। वहीं कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है किसानों में खेती के प्रति ललक बढ़े और जैविक खेती किस तरह से किया जाए जिससे उसकी आमदनी बढ़े। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।